वेलकम टू एस जे इंसेप्शन योर एक्वेरियम चैनल. आई एम एट लोनावला. आज का इस वीडियो में मैं आपको लोनावला का फिश एक्वेरियम दिखाने वाला हूँ. इट्स जस्ट अपोजिट टू द सेलिब्रिटी वैक्स म्यूजियम. ये जो एक्वेरियम है ये लोकेटेड है वर्सोली इन लोनावला. ये मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे आता है. सो आज के इस वीडियो में हम लोनावला फिश एक्वेरियम देखने वाले हैं एंड इसकी टिकट जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ. फॉर फिश एक्वेरियम इट इज़ 100 रुपीज़ सिंगल टिकट और फिश पा के लिए 50 रुपीज़ है. तो अब हम एंटर करेंगे इस लोनावला फिश एक्वेरियम में कि आई होप कि काफ़ी सारे मज़ेदार फिश हमको इस एक्वेरियम में देखने को मिलेंगे. सो आई हैव एंटर्ड द लोनावला फिश एक्वेरियम. यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे फिश टैंक्स है और इसके अंदर काफ़ी सारे एक्जॉटिक फिश है, फ्रेश वाटर फिश है जो हम आज के इस वीडियो में देखने वाले. काफ़ी स्पेशल वीडियो है एंड जो डेली फिश शॉप के विजिट्स होते हैं या जो अदर वीडियोज होते हैं उससे कुछ अलग वीडियो है क्योंकि मैं आपको हमेशा ही कोई जो एक्वेरियम होता है पब्लिक एक्वेरियम वो नहीं दिखाता. इसलिए मेक श्योर यू स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द वीडियो. विल बी गोइंग टू वॉच ईच एंड एवरी फिश टैंक और हमें इन फिशेस की जानकारी भी जो यहाँ पे पर्सन है वो उनके बारे में बताएंगे. सो वी आर कवरिंग द फर्स्ट फिश टैंक. इसके अंदर आप देख सकते हो काफ़ी कमाल की फिशेस है और इसमें से कुछ मॉन्स्टर फिशेस है जैसे कि ये आप देख सकते हो यहाँ पे. तो हमारे साथ इस जो पब्लिक एक्वेरियम के एक इंफॉर्मेशन देने वाले पर्सन है. तो भाई पहले तो क्या बताना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? देव राठौड़. अच्छा, तो देव भाई सबसे पहले ये वाली फिश के बारे में कुछ जानकारी आप हमें बताना चाहेंगे हमारे व्यूवर्स को. पहले तो क्या नाम है इस फिश का? ये वाला टाइगर शावर नोज है. टाइगर शोवल नोज. हाँ, ये वाला टाइगर शावर नोज है. अच्छा, टाइगर अटैक करता है ना? जी जी जी. ये भी अटैक करते हैं जब इनकी साइज बड़ी रहती है. अच्छा अच्छा. 8 से 9 फीट इतनी जब इनकी साइज होगी ना. ओके. बहुत एग्रेसिव होंगे. ओके. और टाइगर की तरह इनके ऊपर बॉडी के ऊपर पैटर्न भी है, इसलिए क्या इनको नाम पड़ा ऐसा? हाँ, इसलिए उसका टाइगर का जो पंच है ना बॉडी का. अच्छा. इसका टाइगर शावर नोज कहते हैं. ओके. नोज का वो शेप है ना. जी जी जी. ऐसा टाइगर से ऐसा नीचे झुके ले. अभी करंटली कितनी साइज की रहेगी? 1 फीट से ज़्यादा? अभी 1 फीट से कम होगी. अच्छा, 10 इंच तक हो जाएगी? हाँ, 10-12 इंच से होगी. अच्छा, इसके अंदर ये अगली फिश हम देख रहे हैं, ये वाली किसिंग गुरामी. किसिंग गुरामी, गुरामी की वराइटी है. जब ये अल्बिनो ब्रांड गुरामी के जैसा इसका शेप है. जी 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 जी. ओके. इसके अंदर अब हम देखेंगे नेक्स्ट फिश. ये सारे जो है इसके अंदर किसिंग गुरामीज है. वो पीछे जो ब्लैक वाला दिख रहा है ना. जी जी. ये वाला नाइफ फिश है. क्लोन नाइफ फिश. क्लाउन नाइफ फिश. वो वाला नाइफ की तरह इनके बॉडी का शेप है. उसका जो शेप है ना बॉडी का नाइफ की तरह. जी जी. ओके. और एक फिश हमारी रह गई यहाँ पे, ये वाली फिश. इंडियन कैट फिश है ये. इंडियन फिश है ये. जो इसको इंडियन लैंग्वेज में ना इसको मांगूर भी कहते हैं. मांगूर. उसके पीछे जो ब्लैक है ना वो सकर फिश है. सकर फिश. जो टैंक में जो मली वगैरह रहते हैं ना गंदगी. अच्छा अच्छा. वो क्लीन कर लेता है. अच्छा. वो कभी कभी ग्लास पे भी चिपका रहता है. ओके. ग्लास भी क्लीन करता है सकर. अच्छा देव भाई, इस मांगूर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी बता सकते हो? कैसे किधर रहती है, क्या खाती है, कितनी बड़ी होती है? मांगूर ना गाँव में रहती है. अच्छा. गाँव में रहती है. वो गढ़ूल पानी में रहता है. तो ये थी सबसे पहली वाली टैंक जो हमने कवर की. ये है सेकंड फिश टैंक जो आपको मैं दिखा रहा हूँ. इसके अंदर सबसे पहले आप ये फिश देख सकते हो कि ये काफी यूनिक फिश है. ये कम देखने को मिलती है और मॉन्स्टर फिश में इसकी गिनती होती है. मॉन्स्टर फिश कहा जाता है इसको क्योंकि काफ़ी बड़ी होती है साइज़ में और काफ़ी एग्रेसिव भी होती है. हम देव भाई से इसके बारे में कुछ जानकारी जानेंगे. तो भाई सबसे पहले नाम बताना चाहेंगे आप इसका? सर ये जो देख रहे हैं ना आप, ये वाला अरापाइमा फिश है. अरापाइमा. उसके साइज है ना सर 18 से 20 फुट इतनी लंबी हो सकती है अरापाइमा. 18 से 20 फुट इतनी लंबी हो सकती है. ओके. उसकी साइज. ओके. वो अभी 2 से 3 फीट इतना लंबा है अभी. अच्छा अच्छा. वो ना सर उसका जो पीछे जो कलर है ना उसके पूछ पे ऑरेंज कलर. जी जी. जैसा ये बड़ा होता जाएगा ना सर वैसा उसकी पूरी बॉडी को कलर आता जाएगा ऑरेंज. ओके. तो भाई ये फिश जो है ना रिवर मॉन्स्टर्स एक शो आता है उसके अंदर जो शो के होस्ट है वो इन फिशेस को रिवर से निकाल के दिखाते सब व्यूवर्स को. तो ये फिश मतलब रिवर में तो रह पाती है ठीक से, पर अगर एक्वेरियम में अगर हमको रखना है तो कितनी बड़ी, आपने तो काफ़ी बड़ी टैंक इसको दे रखी है, ये कितनी बड़ी टैंक है? ये ना सर अभी 7 से 8 फीट इतनी लंबी है. 7 से 8 फीट की टैंक है. 7 ही फीट है. अच्छा. और हाइट में भी काफ़ी लंबी, हाइट कितनी बताना चाहिए? 4 से 4.5 फीट. ओके. अभी इस फिश की क्या साइज़ है भाई? इसकी अभी साइज 2 से 3 फीट इतनी लंबी है फिश. अच्छा. और भाई अगर खाने के बारे में बात करें तो क्या फीडिंग लगती है, कितने बार देना पड़ता है इसको? ना सर दो टाइम देना पड़ता है. दो टाइम नॉनवेज खाती है आपकी? अच्छा. नॉनवेज मतलब चिकन हार्ट वगैरह देना पड़ता है? चिकन हार्ट वगैरह. अच्छा. अच्छा सा कट करके इसको 4-5 पीस अंदर डालने का. ओके. पूरा कैच कर लेता है.
ओके और बाकी के फिश आपने रखी ये तो एग्रेसिव होती है तो इनको मतलब हार्म नहीं कर रही, हाउ इज दैट कैसे पॉसिबल है? ये भी बहुत एग्रेसिव रहती है, बाकी जो नीचे बैठे हुए है ना। अच्छा अच्छा, रेड टेल कैटफिश है ये वाली है, रेड टेल कैटफिश। रेड टेल कैटफिश जैसे इनका जो मुंह रहता है ना सर, जैसे टेल जैसे फुगेला रहता है, ओके, उसका पूंछ का कलर रेड रहता है, ओके, उसके जो मूंछे रहते हैं ना कैट जैसे ऐसे लंबे रहते हैं, जी जी जी, रेड टेल कैटफिश इसे कहते हैं, ओके, ये भी बहुत एग्रेसिव रहते हैं। अच्छा, ये 8 से 9 फीट इतनी लंबे हो सकते हैं। अच्छा, अभी भाई कितनी साइज है इनकी? अभी इससे 1 से 1.5 फुट इतनी लंबी आ गई अंदर इनकी साइज। ओके, और एक फिश हमने मिस आउट की जो यहाँ पे कैटफिश ही है, ये कौन सी कैटफिश है? वो भी रेड टेल कैटफिश है सर, उसकी साइज अभी छोटी है। अच्छा, इसलिए आपको डिफरेंस दिख रहा है, थोड़ा अलग दिख रहा है शायद से भाई वो रेड टेल, ये शायद से क्लेरियस कैटफिश है। विल आस्क द व्यूअर्स, मुझे ये क्लेरियस कैटफिश लग रही है, सो इफ़ यू नो द राइट नेम, मैंने बताई ये क्लेरियस कैटफिश इसका नाम, अगर आपको लगता है कि सही है तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। ये देख सकते हो आप फिर से अरापाइमा का आप लुक देख सकते हो, काफ़ी बड़ी साइज़ की है और इससे भी बड़ी साइज़ की ये हो सकती है फिश। तो इसके अंदर आपने देखा सारे कैटफिश के वराइटी और काफ़ी जाइंट एक्वेरियम इन्होंने बनाई है, क्योंकि अरापाइमा को खुद एक अकेली फिश अगर आप रखते हो अरापाइमा, तो उसको भी काफ़ी बड़ी स्पेस लगती है, बिकॉज ये इससे भी ये टैंक की भी मतलब आउटग्रो कर सकती है, राइट भाई? ये टैंक के लिए भी छोटी पड़ सकती है आगे चल के। सो नाउ आई एम कवरिंग माई मोस्ट फेवरेट फिश इन एक्वेरियम फिशेज। यहाँ पे आप देख सकते हो एक एशियन अरवाना है, तो भाई क्या नाम है इस एशियन अरवाना का? गोल्डन अरवाना सर। गोल्डन अरवाना, जी जी, गोल्डन अरवाना फिश है। ओके, जैसा इसका तुम स्टोन चेंज करोगे ना वैसे इसका कलर चेंज होता है। अच्छा, एक बात इसकी कि ये अफ्रीका का नेशनल फिश है। अच्छा, नेशनल फिश है अफ्रीका, इस एक्वेरियम में सबसे महंगा फिश है। अच्छा, इस एक्वेरियम में मेरे हिसाब से तो लाखों में इसकी प्राइस होती है, फिर भी कुछ बताना चाहेंगे कितने तक आ जाता है? इस साइज की लोगे ना आप, जी जी, 3 से 4 लाख रुपये का आपको मिल जाएगा। 3 से 4 लाख रुपये, जाहिर सी बात है इसके अंदर चिप होगी। हाँ, ये जो डॉट डॉट दिख रहा है ना जी, उसके जो आईज के नीचे से ऐसा डॉट डॉट जा रहा है ना जी जी जी, पूछ की तरफ जी जी, उसको चिप बिठाया गया, चिप है मतलब बॉडी के अंदर, और इसका सर्टिफाइड अरवाना है मतलब ये, जैसे इसका स्टोन, इसीलिए वो कलर चेंज करता है स्टोन। अच्छा, अगर आप स्टोन अलग डालोगे तो कलर पैटर्न में चेंज हो जाता है। ओके, अभी क्या साइज है इस फिश की? अभी सर इसकी 1 फीट जितनी लंबी होगी अभी। अच्छा, और थोड़ा 1 इंच ज्यादा होगा। फूड क्या देते हो आप इसको? इसको एक अरवाना का फूड मिलता है, वो डालता है। अच्छा, फिर इसको नॉन वेज की भी फिश डालते हैं। ओके, लाइव फीडिंग फिश होती है, वो डालते हो आप? हाँ, वो भी डालते हैं। ऑलराइट, तो ये थी गोल्डन अरवाना, जो आई थिंक इस पूरे एक्वेरियम की शान है, लोनावला पब्लिक एक्वेरियम की। अब हम कवर कर रहे हैं अगली यूनिक फिश, इसके बारे में काफ़ी कम लोगों को पता है और ये बहुत ही रेयरली मिलती है एक्वेरियम शॉप्स में, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आउट देयर आर नॉट नोइंग हाउ टू कीप दिस पर्टिकुलर फिश, बिकॉज ये मिलती ही कम है और जो लोग मतलब बाय भी करते तो ये रख नहीं पाते, इसलिए उनके घर में मोर्टेलिटी हो जाती है। हम देव भाई से इसके बारे में जानकारी जानेंगे, तो भाई स्टार्टिंग से बताना चाहेंगे इस फिश के बारे में कैसा बिहेवियर होता है, कहाँ पाई जाती है और क्या खाने को लगता है इसको? ये वाला जो देख रहे हो ना आप, ये वाला अफ्रीकन लंग्स फिश है। अच्छा, ये बहुत आलसी है, जब इसको ऑक्सीजन की जरूरत होगी ना जी, तभी ये हिलता है। हेलो, पानी के बाहर ना 2 से 3 साल तक रह सकता है फिश। पानी के बाहर दो से तीन साल विदाउट वाटर? हाँ। अच्छा, यानी अफ्रीके में ना कीचड़ में रहता है फिश, जो आप देख रहे हैं ना उसके हाथ पैर देख रहे हैं ना जी जी जी, उसके सहाय से वो धीरे धीरे चल भी सकता है। अच्छा, ये जो टेंटिकल्स है इसके थ्रू वो चलता है मड के अंदर वगैरह? ओके, इसके थ्रू चलता है। लंग फिश इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये विदाउट वाटर भी मतलब जो वाटर भी है, यानी वाटर में भी रह सकता है, बाहर भी रह सकता है। ओके, और फूड क्या लगता है इसको? इसका लंच का एक फूड मिलता है सर अलग से। अच्छा, वो डालते हैं। ऑलराइट, सो दिस वाज द लंग फिश एट लोनावला पब्लिक एक्वेरियम। अब हम कवर कर रहे हैं काफ़ी बड़ी फिश, तो भाई इस फिश का नाम क्या बताना चाहेंगे आप? ये जो देख रहे हैं ना, ये वाला अल्बिनो जॉइंट गुरामी फिश है। अल्बिनो जॉइंट गुरामी, ओके, बहुत एग्रेसिव फिश है ये वाला। अच्छा, ये ना इंडियन और पाकिस्तान के बीच में जो नदी बहती है ना जी, बॉर्डर के बीच में जी जी, उधर ये फिश रहता है, उधर ही मिलेगा फिश। अच्छा, इसके जो आप माथे पे देख रहे ना, ये वाला ये देख रहे ना माथे जी जी जी, वो स्ट्रांग रहता है। अच्छा, उसकी जब ये बिग होगी ना सर, जब ये 8 से 9 फीट इतनी बड़ी होगी, जब कम से कम टैंक इतनी बड़ी होगी ना। अच्छा, तो ये बहुत खतरनाक होती है, इसके सहाये से पूरा ग्लास भी तोड़ सकती है। ओके, काफ़ी एग्रेसिव फिश, ये काफ़ी एग्रेसिव फिश होती है, और इस फिश को जो है अगर आप घर में रखते हो तो आप ग्रीन पीस इसे खिला सकते हो, काकड़ी आप इसे खिला सकते हो, क्योंकि ये वैरायटी का डाइट ये फिश एक्सेप्ट कर लेती है। आप भाई इस फिश को कौन सा क्या खाना दे रहे हो? इसको ना सर हम फिश फूड खिलाते हैं, जो बड़ा बड़ा साइज का मिलता है, बड़े साइज के पैलेट्स होते हैं वो आप खिला रहे हो इनको? खिलाते हैं, इसको नॉनवेज भी खिलाते हैं।
अच्छा ओके कभी आपने इस फिश के साथ कई और किसी और फिश को डाल के देखा है आपने? हाँ डाल के देखा है। तो क्या इसका बिहेवियर था तभी? जब ये खा के पूरा मुंह से बाहर निकल लेता है दूसरी फिश। अच्छा दूसरी फिश को मतलब निगल लेता है और फिर से बाहर भी निकाल देता है, मतलब मार ही देता है मतलब। ओके तो इसलिए आपने इतने बड़े टैंक को इस अकेली फिश को रखा है? इसके बेबीज भी हमने दूसरे टैंक में शिफ्ट किया हुआ है। अच्छा इसके बेबीज भी आपके एक्वेरियम में है? इसके बेबीज भी है। अच्छा ओके अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट फिश टैंक, इसके अंदर की हम सबसे पहले ये फिश कवर कर रहे हैं। तो भाई इसके बारे में क्या बोलेंगे आप, क्या नाम है इस फिश का? जो देख रहे हैं ना आप ये एलिगेटर गार्ड फिश है। एलिगेटर गार्ड के बेबीज है अभी व्हाइट वाले जो देख रहे हैं ना आप। अच्छा एलिगेटर गार्ड के बेबीज है। इसका जो फेस देखोगे ना आप ऐसा लगेगा कि आप पूरा मगरमच्छ जैसा इसका फेस रहता है। सही है एलिगेटर गार्ड के। और क्या फूड लगता है इनको? इनका सर इनका भी अलग फूड रहता है, नॉनवेज भी खा सकते हैं छोटा सा कट करके डालने का। अच्छा अभी फिलहाल कितने इंचेस की रहेगी ये? अभी ना सर ये 5 से 6 इंच की हो जाएगी, 6-7 इंच की। 5 से 6 मतलब आधे फीट की रहेगी? और कितनी बड़ी होती है ये? ये ना 10 से 12 फीट इतना बड़ा होता है। अच्छा आपके पास यही एलिगेटर का बड़े साइज में भी अवेलेबल आपके एक्वेरियम में? हाँ बड़े साइज का भी अवेलेबल। ओके हम देखेंगे वो भी, पर इसके अंदर दूसरे फिश हम देख लेते, तब तक ये वाले फिश कौन सा है? ये अल्बिनो जॉइंट गुरामीज के बेबीज है ये वाले, वो एग्रेसिव फिश था ना। ओके उसके बेबीज है। ओके और भाई टैंक्स सब टैंक्स मुझे एक ही साइज के दिख रहे हैं, कितनी डायमेंशन है टैंक्स के आप जो बनाए हो? ये सब सर देख रहे हैं ना जी, ये अभी 5 से 6-5.5 फुट इतनी लंबी होगी ये वाली टैंक, जो छोटे छोटे फिश रखे हैं ना जी जी जी, वो सब छोटे छोटे फिश के लिए छोटे टैंक रखा होगा। ऑलराइट अब हम कवर कर रहे हैं नेक्स्ट फिश टैंक, इसके अंदर आप देख सकते हो काफ़ी ब्यूटीफुल फिश है। तो भाई क्या नाम है इस फिश का? ये जो आप देख रहे हैं ना ये वाला सिल्वर अरवाना फिश है। सिल्वर अरवाना फिश, ये वास्तु के लिए अच्छा रहता है, घर में फिश है, लकी फिश भी माना जाता है। जैसे कि फाइव स्टार होटल में बिजनेसमैन के कैबिन में घर में ज़्यादातर फिश रखे जाते हैं। ओके लकी फिश माना जाता है। अच्छा तो जी जी इन जी बोलिए। जो सर ये रख घर में रखना हो ना जी जी, मेल फीमेल नहीं रखने का, मेल ही रखने का। मेल फीमेल रखोगे ना जी जी तो गंदगी हो सकती है और वो झगड़ा भी कर सकते हैं, झगड़ा करके वो कुछ मर भी गए ना तो अपशगुन माना जाता है। तो अच्छा वास्तु के लिए लाया हुआ फिश जी जी जी, घर में कुछ हो गया ना वो अच्छा नहीं रहता जी जी। बहुत से लोग शौक से इनको रखते हैं, कुछ लोग फेंगशुई के अकॉर्डिंग इनको रखते हैं। हाँ। और ये वास्तु के हिसाब से इस फिश को लकी माना जाता है। क्यों ऐसे मतलब ये फिश बाहर इनको मतलब काफ़ी लोग इनको एज वर्शिप भी करते हैं, जैसे आइडल को वर्शिप करते वैसे इनको वर्शिप भी करते हैं आउट ऑफ कंट्रीज में, तो क्या मतलब इस फिश में खासियत होती है? ये जो खासियत इसकी जो खासियत है ना सर, इसका कलर जो सिल्वर में रहता है सिल्वर अरवाना जी जी, और इसकी आईज पे जो आप देख रहे हैं जी जी इसमें उसकी खासियत रहता है। ओके ओके इन द वाइल्ड दिस फिश ग्रोस अप टू अ वेरी लॉन्ग फीट, तो आपसे जानना चाहूँगा मैं कितनी मैक्सिमम साइज अटेंड कर लेती है ये फिश? इनकी साइज में सर कम से कम टैंक इतनी बड़ी साइज है। अच्छा ये टैंक कितनी? 1 से 1.5 फीट इनकी बड़ी है अभी। 1.5 फीट इनकी टोटल साइज है। और ये टैंक कितनी बड़ी है आपके पास? ये टैंक कितने साइज़ की है? टैंक कितना सर? ये भी 5 से 6 फीट इतना लंबी है। 5 से 6 फीट इतनी लंबी, तो ये 6 फीट तक हो सकती है आराम से? हाँ हो सकती। और फूड इनको आप क्या दे रहे हो? इनका फूड अलग से रहता है, अरवाना का फूड अलग से रहता है, ये फूड भी खाता है। अच्छा और इसका नॉन वेज भी खाते, जो नॉन वेज का पीस छोटा छोटा कट करके इसको डालना। ऑलराइट तो ये थी ब्यूटीफुल सिल्वर अरवाना फिश का पैर एट द लोनावला पब्लिक एक्वेरियम। अगले फिश हम कवर कर रहे हैं काफ़ी जायंट साइज के इनके पास ये वैरायटी है, क्या नाम है भाई इनका? ये जो देख रहे हैं ना आप ये फिश ऑस्कर फिश है। ऑस्कर फिश? ऑस्कर व्हाइट वाला अल्बिनो ऑस्कर है जी जी, वो ब्लैक वाला ऑस्कर सिर्फ ऑस्कर फिश। इसका फिश आप देखोगे ना ऐसा लगेगा कि सैडली सैड दिखते हैं, जैसा कि ये नाराज हो गया जैसा। अच्छा सैड फिश है ये ऑस्कर। ये काफ़ी एग्रेसिव होते हैं, इसलिए कि आपने इनके साथ कोई फिश टैंक मेट ऐड नहीं कर रखा? अभी जो इनका वो जो दिख रहे हैं ना मेल फीमेल है सर। अच्छा अभी अंडी देने वाली है इसलिए। फीमेल कौन सी इसके अंदर? ये जो व्हाइट वाला दिख रहा है ना वो फीमेल है, वो ब्लैक वाला मेल। ओके दिस वन। फूड में क्या देते हो आप इनको? इस इनको ना फूड में सिर्फ फूड फिश फूड मिलता है अलग। अच्छा। अलग सब फिश का अलग अलग फूड रहता है। ओके देते हैं। ऑलराइट साइज़ 1 फीट तक है इनकी? 10-12 इंच? नहीं नहीं इनकी साइज ना 3 से 4 फीट इतनी बड़ी हो सकती है। अच्छा नहीं अभी प्रेजेंट साइज कितने इनकी? अभी जो 3 से 4 इंच इतनी बड़ी हो गई। अच्छा अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट फिश टैंक, इसके अंदर हम देख सकते हैं एक ही वैरायटी के सारे फिशेज है एक्सेप्ट द वन विच इज ओवर हियर। तो भाई ये जो लाल वाले फिश है इनका नाम क्या है? ये आप जो देख रहे हैं ना ये पैरेट फिश है,
पैरट फिश। इनकी तरफ आप देखोगे ना ऐसा लगेगा कि आपको देखकर वो स्माइल कर रहे हो। अच्छा, उनका फेस ही स्माइलिंग फेस है। स्माइलिंग फिश, जैसा वो ऑस्कर का स्टैनली था ना। ओके, स्माइलिंग फिश। अच्छा, इनको इनकी जो मुंह की शेप होती है वो इट्स लाइक अ पैरट, इसलिए इनका नाम भाई पैरट पड़ा है। सही। ओके, और इसके अंदर ये वाली फिश कौन सी है? ये वाला पॉपुलेट सर, वो जो घूम रहा है ना उधर। अच्छा, वो वाला पॉपुलेट है। अच्छा, इट्स अ मोनो एंजल। मोनो एंजल भी कह सकते हैं आप। ऑलराइट, इसके अंदर आपने शो पीसेस रखे हैं, तो पैरट फिश को हाइडिंग शो पीसेस लगते हैं, इसलिए आपने ऐसा रखा है, बिकॉज दे टेंड टू फाइट विद ईच अदर देन नीप पिचर द फिन्स, इसलिए आपने ये शो पीसेस अंदर रखे हैं। हां, इसीलिए वो शो पीस इसलिए रखा है, स्टोन वगैरह देख रहे हैं ना। कुछ सिकलेट्स भी आपने रखे हुए हैं यहां पे, अफ्रीकन सिकलेट्स हैं। सिकलेट्स ये वाइट वाले। ओके, सो नाउ वी आर कवरिंग द नेक्स्ट फिश टैंक। इसके अंदर कौन सी वैरायटीज है? सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। ये जो देख रहे हैं ना सर ब्लैक वाले, वो ब्लैक गोस्ट फिश है। ब्लैक गोस्ट, ब्लैक गोस्ट, काफ़ी बड़ी साइज़ की है ब्लैक गोस्ट। आपके पास क्या बोलना चाहोगे इस फिश के बारे में? ये कैसा भी स्विमिंग करता है सर। अच्छा, उल्टा आड़ा टेढ़ा कैसा भी स्विमिंग करता है। जैसे जैसे कि चीनी इंसान की आइज छोटे रहते हैं ना, जी जी, वैसे इनकी भी आइज छोटे रहते हैं ब्लैक गोस्ट के। अच्छा, और फूड इनको फिर आप जो सिंकिंग वाला होता है अलग से मिलता है, ब्लैक गोस्ट का फूड ना अलग से मिलता है। ओके, यहाँ पे कुछ फूड आपने डाला हुआ है, यही फूड इनको खाते हैं। ऊपर दिख रहा है ना आप? जी जी, वही फूड इनको खाते हैं। ओके, और प्लीको है इसके अंदर, प्लीको है इसके अंदर एक, ये वाला सकर फिश। सकर फिश जो टैंक में जो मली वगैरह रहते ना गंदगी, जी जी, पूरा क्लीन कर लेता है सकर। ओके, और कभी कभी ग्लास पे भी चिपका रहता है। अच्छा, ग्लास भी क्लीन कर लेता है। ओके, अब हम कवर कर रहे हैं नेक्स्ट फिश, जो काफ़ी लोगों की मनपसंद फिश होती है। क्या नाम है भाई इस फिश का? ये जो देख रहे हैं ना आप, ये वाली फिश इस फ्लोरॉन फिश, फ्लोरॉन, फ्लोरॉन फिश। उसके जो माथे पे जो देख रहा है ना बड़ा वाला, उसका वो ब्रेन है। ओके, उसका वो ब्रेन है, ये बहुत सेंसिटिव रहता है सर। अच्छा, समझता है, जैसे इसको ट्रेन करोगे ना, जैसे इसको सिखाओगे वैसे ये कर सकता है। जैसे आप मूवमेंट करोगे ना, जैसे हाथ हाथ वगैरह फिराओगे तो आपकी तरफ बहुत दौड़ा चलाएगा, सिर्फ उसके कान की तरफ आवाज़ जानी चाहिए आप। अच्छा, तो फ्लावरॉन में काफ़ी सारी टाइप्स आती है, पल स्पॉटेड फ्लावरॉन, मैग्मा फ्लावरॉन, थाइसिल फ्लावरॉन, तो इसके अंदर ये वाली फ्लावरॉन कौन सी है भाई? ये वाली थाइसिल फ्लावरॉन है सर। थाइसिल भाई डिफरेंट होती है, दिस वन इज एसआरडी फ्लावरॉन, सुपर हेड ड्रैगन फ्लावरॉन, काफ़ी हम्पी हेड की है। कितनी साइज है इसकी? अभी इसकी साइज देखोगे ना सर आपको 6 से 7 फीट अपनी इंच की है। 6 से 7 इंच की है, और बड़ी होगी साइज में? अभी ये बड़ी हो सकती है सर, ये अभी ना 5 से 7 फीट इतना बड़ा हो सकता है। अच्छा, इसको संभाल, इसका जो ये है ना सर मेंटेन, जी जी, संभाल के करना पड़ता है। ओके, हीटर आपने लगाना पड़ता है इसके अंदर? हाँ, जो पूरा नॉर्मल पानी रहता है, जो ठंड भी नहीं रहता ज़्यादा, गर्म भी रहता है नॉर्मल। ओके, सो नाउ वी आर एंटरिंग द नेक्स्ट सेक्शन। जो पहला सेक्शन हमने कवर किया था उसके अंदर काफ़ी एक्सोटिक फिश हमने देखी, इस सेक्शन के अंदर अब देखते हैं कि कौन से फिश है। सबसे पहले ये बहुत ही बड़ी फिश टैंक है जिसके अंदर कुछ जाइंट मॉन्स्टर फिशेस हैं, तो वही सबसे पहले जो हमने इस वीडियो के पहले देखी थी, छोटे साइज़ की एलिगेटर गार, तो आपने बताई थी कि आपके पास इससे भी बड़ी एलिगेटर गार है, तो क्या वो ये यही है एलिगेटर गार? एलिगेटर गार फिश। अच्छा, ओके, इसकी जो साइज है ना सर 10 से 12 फीट इतनी लंबी हो सकती है एलिगेटर गार। अच्छा, इसका फेस देखोगे ना ऐसा लगेगा कि आपको मगरमच्छ जैसा एलिगेटर की तरह है। जी जी जी, अभी इस फिश की क्या साइज है आपके पास? अभी सर ये 1 से 1.5 फीट इतना लंबा होगा अभी। ओके, इसकी साइज। और यहाँ पे ये वाला ऑस्कर फिश आपने उधर देखा था ना? जी जी, टैंक में ये वाला है ऑस्कर फिश। ऑलराइट, और ये वाला भी ऑस्कर फिश है, और इसके पीछे स्टोन के पीछे देखोगे ना सर स्नेक हेड भी दिखाई देगा। अच्छा, स्नेक हेड है आपके पास? स्टोन के पीछे ही रहता है वो स्नेकेड फिश। जी जी, यहाँ से हम थोड़ा सा एक लुक ले सकते हैं उनका। स्नेकेड फिश होती है तो हॉरिजॉन्टली मतलब बढ़ती है, मतलब ऐसे सांप की तरह होती है। हाँ, सांप की तरह, उसकी सही ना सर 5 से 6 फीट इतना लंबी हो सकती है स्नेकेड फिश। यहाँ पे अल्बिनो वाला सकर फिश, सकर फिश है, इनका सिर्फ कलर डिफरेंस है इनकी साइज। ऑलराइट, तो फिल्ट्रेशन के बारे में क्या बताएंगे कि इतने बड़े टैंक को कैसा फिल्टर करते हो आप? ऐसा ना सर, हम ये पाइप रहता है सम का। ओके, वो डालते हैं अंदर, पूरा पानी बाहर निकालते हैं। ओके, ये जो नीचे स्टोन दिख रहे हैं ना। अच्छा, उसमें ऐसा फिल्टर मशीन लगा के ओके पूरा गंदगी पूरा खींच लेता है। ऑलराइट, ऐसे साफ करके पूरा पानी इतना सा कम कर। ऑलराइट, तो नॉर्मल जो फिल्ट्रेशन का मेथड होता है वही आप फॉलो करते हो, कोई कैनिस्टर फिल्टर वगैरह नहीं लगाते, एक्सटर्नल फिल्टर नहीं लगाते, बड़े बड़े फिल्टर जो नॉर्मल क्लीनिंग मेथड है वही फॉलो करते हो आप, राइट? पानी कितना इसके अंदर रहता रहेगा पूरे टैंक के अंदर? ये पानी ना सर इसमें अभी 2 से 3 हज़ार लीटर पानी रहेगा। 2 से 3 हज़ार लीटर, ऑल राइट। हम नेक्स्ट फिश टैंक के ऊपर बढ़ेंगे, यहाँ पे काफ़ी कमाल के फिश जो हम देख रहे हैं। क्या नाम है इन फिशेस का? ये फिश का नाम है पाकू पिराना सर। पाकू पिराना, पिराना फैमिली से बिलोंग करती है ये फिश। ये फिश
ओके जो पिराना पे एक मूवी भी है सर जी 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 जो 8 से 10 मिनट में ना पूरा इंसान को खा लेती है। अच्छा तो ये वो वाली फिश तो नहीं है कि उंगली डालूंगा तो हड्डी बाहर आ जाएगी? नहीं, ये दूसरी पिराने की दूसरी चाहिए, ये दूसरी फिश है राइट। तो बहुत से जो हमारे व्यूवर्स है, जो हमारे हॉबीस्ट है, वो कंफ्यूज हो जाते हैं ये फिश के अंदर। अच्छा, ये फिश के अंदर और जो ओरिजिनल पिराना के अंदर, जो ओरिजिनल जो असली पिराना होती है वो अलग होती है राइट। ये वो वाली पिराना नहीं है, ये दूसरी फैमिली की पिराना है। अभी कितनी साइज है इनकी? अभी सर इनकी साइज देखोगे ना 5-7 से 6 इंच इतनी बड़ी होगी। 6 से 7 मतलब आधे फीट से ज़्यादा है? आधे फीट से ज़्यादा है। और फूड क्या खिलाते हो आप इनको? नॉर्मल फिश फूड? इनका फिश फूड भी मिलता है और इनको नॉन वेज खिलाते हैं। ओके, और एक फिश वी लेफ्ट आउट यहाँ पे, ये वाली ये भी वही है सर, आपने जो उधर देखी ना वही। आई थिंक ये मुझे पाकू फिश लग रही है। लास्ट का व्यूवर्स अगर आपको पता है इस फिश का सही नाम तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। मुझे ये वाली पाकू लग रही है और ये बाकी वाली जो है जो जो भाई ने नाम बताया वो वाली लग रही है। सो हियर इज द नेक्स्ट फिश टैंक, काफ़ी बड़ी साइज की टैंक है और इसके अंदर आप देख सकते हो काफ़ी जायंट शार्क्स है। एक टाइम पे मुझे शार्क्स काफ़ी पसंद है और आपको पता है कि मैंने मेरे चर्च के फिश पॉन्ड में उन सारे शार्क्स को दिया था। दे वर अराउंड अ फीट इन साइज, उनको मैंने 1 फीट तक रेस किया था। इसलिए शार्क्स को देख के काफ़ी मज़ा आता है, मुझे काफ़ी खुशी होती है शार्क्स को देख के, बिकॉज ये फिश काफ़ी जल्दी बड़ी होती है साइज में। एंड भाई कौन सी शार्क्स है इसके अंदर? सर आप जो देख रहे हैं ना ये ब्लैक वाले जी जी, वो बेबी शार्क है सर। बेबी शार्क्स? ओके, व्हाइट वाले दिख रहे हैं ना जी, वो अल्बिनो शार्क। अल्बिनो शार्क्स, ऑल राइट। तो ये जो इरिडेशन शार्क्स होती है, क्या मतलब आप खाना खिलाते हो इनको? बहुत सारा खाना लगता है इनको तो। इनको तो पूरा हम ना 2 ढक्कन जो रहता है ना, अच्छा 2 ढक्कन ये डालते फूड ऊपर, आपको देखने को मिलेगा। अच्छा ओके, पानी पैलेट्स आप देख सकते हो काफ़ी बड़े साइज के पैलेट्स हैं। और ये वाली सबसे बड़ी शार्क ये वाली इसके अंदर है, मेरे ख्याल से 1.5 फीट से ज़्यादा आराम से इसकी साइज होगी। क्या साइज़ है उसकी भाई? अभी सर ना इसकी साइज 1.5 से 2 फीट इतनी लंबी है। अच्छा, पिराना ओके शार्क। तो क्लीनिंग तो बहुत ही मतलब डिफिकल्ट टास्क होगा भाई, डिफिकल्ट रहता है टैंक को क्लीन करना है ना। हम ना आधे से ऊपर ही पानी भरते, पूरा टैंक में पानी नहीं भरते। अच्छा, पूरा टैंक में भरेंगे ना बाहर आ सकते। ओके, अभी ये जो शार्क्स है इस पूरे टैंक में कितने शार्क्स रहेंगे सब मिलाकर? अभी ये सब मिला के ना सर 10 से 12 शार्क रहेंगे सब मिलाकर। 10 से 12 शार्क्स, ओके। शार्क्स के बाद अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट फिश टैंक, इसके अंदर कौन सी फिश है? ये जो देख रहे हैं ना ये जापानीज कोई फिश है। जापानीज कोई? जापानीज कोई। जैसे जापानीज इंसान की ऐसी मूछे लंबी रहते हैं ना नीचे जी, वैसे इनकी भी मूछे नीचे लंबी जी हम देख सकते हैं यहाँ पे। और वेल टेल वाली कोई है आपके पास? ये वाला रेड वेल, रेड डेविल। हाँ रेड वेल, ये भी जापान का ही है। अच्छा, थोड़ा डिफरेंस दिखेगा। कोई इसके बारे में कुछ जानकारी बता सकते हो भाई हमें? हाँ ये ना सर ये जापानीज कोई ना सर, ये जापानीज जापान में ना गटर में रहता है। अच्छा, जो गटर में जो गंदगी रहता है ना वो क्लीन करता है। ओके ओके ओके। काफ़ी छोटी बेबीज़ ये होते हैं फिश टैंक में, जो लोग बहुत पसंद होता है लोगों को ये फिश रखना। और बहुत बड़ी साइज़ की हो जाती है, अगर इनको स्पेस ज़्यादा दिया तो काफ़ी बड़ी होती है, इसलिए आपके पास तो काफ़ी बड़ी है। कितनी ये वाली सबसे बड़ी दिख रही, कितनी साइज़ होगी इसकी? अभी सर इसकी ना 1 से 1 फीट की, कम से कम 1 ही फीट होगी। अच्छा ओके, और भाई ये फिश अगर इनको अच्छे से रखा जाए तो कितने साल तक जी लेती है फिश? ये जो रखेंगे ना सर इसकी सर उम्र जो रहती है ना, अच्छा 20 से 30 साल की इनकी उम्र रहती है। 20-30 ईयर्स इनका लाइफ स्पैन होता है, मतलब काफ़ी सालों तक जीती अगर अच्छे से रखा तो। और काफ़ी बड़ी भी होती है साइज में, कितनी साइज़ मैक्सिमम अटेंड कर लेती है ये? इनकी साइज ना सर 8 से 9 फीट इतनी लंबी हो सकती, कम से कम 8 ही फीट होती है। 8 फीट, ओके ठीक। यहाँ पे अब हम देख रहे हैं फिश पॉन्ड, जापानीज कोई है सर। जापानीज कोई, ओके। इनको सेपरेट किया हुआ है कि अभी अंडी देने वाली है। अच्छा, मेल फीमेल को रखा हुआ है। ओके ओके, अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट कमाल की फिश, तो इनके बारे में भाई क्या बोलना चाहेंगे? ये वाला जो देख रहे हैं ना ये डबल ट्रांसपेरेंट फिश है। डबल ट्रांसपेरेंट, फुल आर पार देख पा रहा हूँ मैं पूरा बैकग्राउंड। बॉडी जो देख रहे हैं ना पूरा इसका आर पार दिखेगा जी जी जी, पूरा जी जी, पूरा कांटा दिखेगा, क्लियर कट हम बोन्स देख सकते हैं। एक एक बोन हमको यहाँ से विजिबल हो रहा है, आई एम जूमिंग तब भी जो है क्लियरली दिख रहा है इनके बॉडी के थ्रू। तो अगर आप नेकेड आई से देखोगे तो आपको एकदम क्लियरली दिखेगा। तो ये फिश को कैसे आप मतलब क्या कैसे रखते हो, कैसे खाना देते हो इनको? इसको ना सर इसका एक फूड मिलता है जो पाउडर की तरह बारीक रहता है, बारीक फूड। काफ़ी माइक्रो पैलेट्स देना पड़ेगा, पड़ता रहेगा आपको। वो डालते हैं, वो सब खा लेते हो। ओके, वो खाते हैं ना वो दिखता नहीं है। अच्छा
इस टैंक के अंदर अगली फिश कौन सी है? ये जो कलरफुल दिख रहे हैं ना सर आपको, पिंक वाले, व्हाइट वाले, ब्लू वाले, ये सब मोली फिश है। मोली फिश? मोली फिश। ओके, सो दिस वन इज अ व्हाइट मोली एंड यहाँ पे आई थिंक येलो मोलीज भी है जो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो खाना ढूंढ रही है शायद इस रॉक के ऊपर। और अगली फिश ऐसे ज़ेब्रास एंड ऑल है आपके पास, फ्लोरोसेंट ज़ेब्रास एंड ऑल। ये सारी आपने कैसी स्मॉल साइज फिश प्लांटेड टैंक बनाई है आपने? इनकी साइज की तरह जो इसमें आपको दिख रहे हैं ना, जी जी जी, वो इसकी इसको जो ऐसा मेंटेन चाहिए। अच्छा, इसकी जो ये रहता है ना, जी जी जी, इसी तरह वो पूरा सेटअप लगा हुआ। ऑल राइट, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत इन्होंने प्लांटेड टैंक बनाया हुआ है। सारे क्या लाइव प्लांट्स है भाई इसके अंदर? ये जो देख रहे हैं ना सर आप, जी जी, ये वाले नियॉन टेट्रा है। अच्छा, नाइट होने के बाद वो चमकते हैं। ऑल राइट, इसलिए नाम पड़ा है नियॉन टेट्रा। वी कैन वॉच अ रैमेरेजी फिश ओवर हियर जो ग्लो करती है, राइट भाई इसका नाम? हाँ, रैमेरेजी। ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हो एक गप्पी भी है। हाँ, बटरफ्लाई गप्पी है, बटरफ्लाई गप्पी। ओके, काफ़ी सारे अलग अलग वराइटीज के फिश इस टैंक के अंदर ऐड कर लिए। एलिफेंट नोज भी है सर, ये जो दिख रहे हैं ना लकड़ी के नीचे, जी जी जी, वाला एलिफेंट नोज फिश है। एलिफेंट नोज, जैसा एलिफेंट का नोज जैसा लंबा रहता है ना, वैसे इनका भी नोज लंबा है। ओके, एलिफेंट नोज का, तो वो नोज को यूज करके खाना ढूंढती है, उसी नोज को वो टच करके, जैसा कि नोज एलिफेंट जैसा खाना खाता है ना, वैसा उसी टाइप की अभी वो एक्टिविटी चल रही है उसकी खाना ढूंढने की। और काफ़ी सारे फिशेस आपने इसके अंदर ऐड कर रखे हैं, काफ़ी कमाल की प्लांटेड टैंक लग रही है। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट टैंक, इसके अंदर आप देख सकते हो स्कूलिंग फिश है जो ग्रुप में तैर रही है। तो ये वाली फिश कौन सी है सर? ये जो देख रहे हैं ना आप, ये टेट्रास फिश है। टेट्रास, टेट्रा, इसमें आपको दो चार ट्रांसफ्रंट भी दिखेंगे, ट्रांसफ्रंट फिश। ओके, आई थिंक दिस वन इज अ हॉकी स्टिक टेट्रा। और ये जो बाकी जो ग्रुप में तैर रही है इनका नाम क्या है? ये जो ग्रुप में तैर है ना सर, वो टेट्रास फिश है। ओके, टेट्रास, और जो इसमें चार बार आपको ट्रांसफ्रंट भी दिखेंगे, दो चार फिश। ऑलराइट, ये वाली जो ऊपर आ गई है, ये इस फिश का नाम क्या है? ये वाला ब्लू शार्क सर। ऑलराइट, वाला रेड शार्क। शार्क में भी बहुत तरह की वराइटीज रहती है। वाला ज़ेब्रा फिश, छोटा सा पीछे जो स्टोन के नीचे भाग रहा है ना। ओके, जो ये पीछे स्ट्राइप्ड है इनके पीछे, इसके बारे में जानना चाहूँगा। ये जो ज़ेब्रा फिश, जैसा उसके ज़ेब्रा का जो कलर रहता है ना, जी 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 जी, वैसे उन पे भी है, इसलिए उसको ज़ेब्रा फिश कहते हैं। राइट, हियर इज द नेक्स्ट टैंक। तो भाई इसके अंदर कौन से फिश है? ये एंजल फिश है। एंजल देख रहे ना, ब्लैक वाली, वो ब्लैक वाली एंजल है। अच्छा, वो जो उधर देखे ना, जी जी, वो टाइगर एंजल, उसकी जो बॉडी पे टाइगर जैसा पंच लगा है, टाइगर की तरह स्ट्राइप्स है, इसलिए नाम पड़ा है टाइगर एंजल। और व्हाइट एंजल फिश है, पीछे वाले जो है सारे व्हाइट एंजल्स है। दिस इज़ द नेक्स्ट फिश टैंक, इसके अंदर आप देख सकते हो गोल्ड फिश की वराइटीज़ है। यहाँ पे है शबनकिन गोल्ड फिश, रेड कैप कैलिको और ब्लैक मूर्स भी है इसके अंदर, एंड कुछ कोईज है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस एक्वेरियम में हम देख सकते हैं यहाँ पे टर्टल्स है। तो देव भाई कौन से टर्टल्स है ये? ये जो देख रहे हैं ना आप सर, जी, ये सिंगापुर के टर्टल है। ओके, जो इनके आईज के पीछे, आँख के पीछे जो ऑरेंज कलर है ना, जी जी, इससे पता चलता है कि ये सिंगापुर के टर्टल है। ओके, यानी इनकी जो लाइफ रहती है ना, इनकी जो उम्र रहती है ना सर, जी जी, 500 साल तक ये इनकी उम्र रहती है। अभी 500 साल कंप्लीट होएंगे ना, ओके, तो ये बहुत बड़े बड़े इसमें ये हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। ऑलराइट, क्या ये सारे एक ही टर्टल है, सिंगापुरी टर्टल्स? हाँ, तो ये तीनों भी सिंगापुर के टर्टल है, यानी इसके ऊपर से पूरा फोर्यूलर भी जाएगा ना। अच्छा, इसको कुछ नहीं होता। ओके, सो दिस वॉज टूडेज वीडियो अबाउट द लोनावला फिश एक्वेरियम जो लोकेटेड है वर्सोवली एट लोनावला। तो यहाँ पे मैं घूमने के हिसाब से आया था, तो यहाँ पे मुझे बाद में पता चला कि यहाँ पे एक एक्वेरियम है। सो आई थॉट कि वाई टू मिस दिस अपॉर्चुनिटी टू वॉच दिस ब्यूटीफुल एक्वेरियम, एंड उसके साथ मैं कवर भी करूँ इस एक्वेरियम को। तो काफ़ी मज़ा आया मुझे ये एक्वेरियम देख के, काफ़ी सारे इसके अंदर फिशेस थे, और सबसे मज़ेदार बात इसके अंदर काफ़ी बड़े बड़े मॉन्स्टर फिशेस थे जो मुझे काफ़ी पसंद होते हैं, बिग साइज़ के फिशेस। और इसके अंदर हमने अरापाइमा देखे, उसके बाद में आरटीजी अरवाना देखी, बड़े बड़े शार्क्स देखे, कोईज देखे। तो अगर आपको ये वीडियो देख के मज़ा आया रहेगा तो मेक श्योर यू हिट द थम्स अप बटन एंड स्टे ट्यून टू वॉच सम मोर अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज कमिंग सून ऑन एसजी इंसेप्शंस। दिस वॉज द लोनावला फिश एक्वेरियम ऑफ लोनावला। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू हिट द थम्स अप बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।